अरे अब्दुलमुकीत, क्या हुआ? इतनी रोनी शक्ल क्यों बनाकर बैठे हो? नहीं आती। अरे भाई, आखिर कोई तो बात होगी जो इतनी रोनी शक्ल बनाकर बैठे हो। मैंने चीज के शॉप पे केक लिया था। तो भी क्या हुआ? उसे बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। तो फिर क्या हुआ? फिर मैंने शॉप वाले अंकल से बोला, ये केक खराब है, आप इसे वापस ले लें। तो फिर शॉप वाले अंकल ने बोला कि ये वापस नहीं होता, ये कंपनी से ऐसा ही आया है। ओहो, वाकई ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। और मेरे पास पैसे भी नहीं थे जो मैं दूसरे के खरीदता। बंद करो और ये लो रियल केक। अरे रियल केक, वाह, ये तो बहुत मजे का है। क्या ये असली केक है? हाँ, इंटरफूड का रियल केक, यही तो है असली केक जो हमेशा शॉप से फ्रेश मिलता है। अच्छा, अरे वाह भाई। और हाँ, इंटरफूड का रियल केक मिल्क बटर और चॉकलेट से तैयार होता है जो हमारी बॉडी और दिमाग को देता है भरपूर ताकत और तवानाई। जब ही तो मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आती हूँ और प्यारी प्यारी ट्रॉफी विन करती हूँ। अच्छा, आप ये बात है, तो फिर ऐसे गंदी चीजें खाना बंद। अब सिर्फ इंटरफूड का रियल केक ही खाया करूँगा। अरे आप ही, इंटरफूड की और भी तो चीजें होंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, चॉकलेट बार, कैंडीज और बंटीज, बस पूछो मत। और हाँ, स्नैक्स की तो क्या ही बात है। तो बस अब मैं इंटरफूड के प्रोडक्ट्स ही खाया करूंगा। और हाँ अब्दुलमुकीत, अकेले अकेले नहीं खाना, सबको खिलाना और खुद भी खाना रियल केक, क्योंकि दुनिया में जलता रहता है ये मिनटे। शाबाश अब्दुलमुकीत, शाबाश। थैंक यू आपी, थैंक यू इंटरफूड, आई लव यू इंटरफूड। दुनिया में चलता रहता है गिवन केक, गिवन केक, सबको खिलाना। खुशियों से भरा जिसे खाए हर बच्चा और बड़ा, जब मीठा खाने को दिल चाहे तो रियल केक मन को भाए। तो क्यों ना हो जाए पर रियल केक, जो मिले एक्साइटिंग स्ट्रॉबेरी चॉकलेट बनाना बटर जैम और मैंगो फ्लेवर्स में, अब 5 और 10 रुपए में दस्तयाब, अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरफूड।